हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज हम यू ही बातें करने वाले हैं अपने लाइफ में आने वाली समस्याओं के बारे में। कहा गया है ना कि यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें समस्याओं को गले लगाना सीखना पड़ेगा। समस्याएं हर रोज एक नई खड़ी हैं, जीत जाते हैं जो लोग उनकी जिनकी सोच बड़ी है। तो हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रकार की समस्याएं आए दिन मुंह खोले खड़ी हैं। उन समस्याओं को रोकते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और समस्याओं को, दुख को हमें गले लगाना सीखना पड़ेगा, तभी हम आगे सक्सेस हो पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति समस्याओं को पार करके कोई प्राप्ति, कोई अचीवमेंट पाता है, अचीव करता है, तो उसे उसका सुख का, उस सुख का एहसास ही अलग होता है। साथियों, आज भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हमारे लाइफ में हमेशा बनी हुई है कि हम उस समस्याओं से उभर नहीं पा रहे हैं। समस्याओं से उभरने के लिए हमें दृढ़ संकल्प करना होगा, हमें लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यदि किसी वृक्ष को फल देना है तो उसे जो मौसम की मार है उसे झेलना पड़ेगा। यदि किसी वृक्ष को धूप से बचाना है, छांव देना है, तो उस कड़ी धूप का सामना करना पड़ेगा। और यदि किसी फल या फूल को या पौधे को सुगंधित देना है, सुगंध प्राप्त करना है, तो उसे हर प्रकार की मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। साथियों, दिस इज ट्रू ऑफ लाइफ। यदि हमें अपने लाइफ में सफलता पानी है तो समस्याएं हर रोज आएंगी ही आएंगी। खासतौर से जब आप कोई अच्छा काम करने चलेंगे, तो समस्याएं और विकराल हो जाएंगे। और जब हम कोई बड़ा काम उद्देश्य से कोई रास्ता चुनते हैं तो प्रकृति हमारा पुरजोर विरोध करती है। और धीरे धीरे जैसे ही हम उस परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे परिस्थिति जो है हमारा पुरजोर साथ और सहयोग देने लगती है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, जहाज जो है किनारे पे ज्यादा सुरक्षित है और जमीन पे ज्यादा सुरक्षित है। तो क्या जहाज को समुद्र के किनारे खड़ा करने के लिए बनाया गया है? क्या जहाज को जमीन पे रखने के लिए बनाया गया है? नहीं। जब पानी का जहाज समुद्र का सीना चीरता हुआ, अपने आप आगे बढ़ता है, और जो हवाई का जहाज है, हवा का सीना, आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ता है, तब उसकी वैल्यू मानी जाती है, तब उसकी कीमत आकी जाती है। नहीं तो यदि वो जमीन पे पड़ा है तो अगर काम के लायक नहीं है तो एक तरह से कबाड़ है। साथियों, जैसे कि आप सब और हम सब लोग जानते हैं, जो वृक्ष फल नहीं देता हो, जो वृक्ष फूल नहीं देता हो, जो वृक्ष छाया नहीं देता हो, उसकी कीमत और अंजाम क्या होती है? उसको अंत में या तो काट करके जला दिया जाता है या उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। साथियों, आज हमारे लाइफ में भी लगभग ऐसी ही समस्याएं प्रतिदिन खड़ी हो जाती हैं और हम अपने लक्ष्य से जो है मुंह मोड़ लेते हैं और उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, यदि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधे रास्ते तक चले गए हैं और वहां से यदि हम मुड़ते हैं तो आधे रास्ते का जो वापिस आना भी हमें पूरे रास्ते तय करने के बराबर ही हो जाता है। साथियों, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप और हम मिलकर के काम करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तो जरूर अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। जिस व्यक्ति को लॉस झेलने की क्षमता नहीं है, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति को अपना मसल्स बनाना है, उस व्यक्ति को तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा और अपने पसीना तो बहाना पड़ेगा। साथियों, जैसे आप और हम जानते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास चेंज कर पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति पसीने से नहाएगा वो पूरा अपना लाइफ चेंज कर पाएगा, एक परिवर्तन ला पाएगा, इतिहास रच पाएगा। साथियों, आज एक ऐसी ही महामारी के तहत बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे सारे जो आगे का रास्ता है वो बंद सा होने जा रहा है,
तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक समस्या आती है तो उस समस्या से ही उसका समाधान भी होता है और समस्या से ही हमारा कोई नया आविष्कार होता है। यदि आपके रास्ते में कोई समस्या नहीं आ रही है, यदि आप जो रास्ता चुने हुए हैं उस रास्ते को सुगमता से चलते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो रास्ता आपको बहुत बड़ी जो सफलता है वो नहीं दिला पाएगी। बड़ी सफलता के लिए बड़ी समस्या आना जरूरी है। जैसे कि हम और आप जानते हैं, जितनी ऊंची और जितनी कठिन चढ़ाई होगी उतना ही सुगम और उतना ही सरल उसका ढलान भी होगा। अपने लाइफ में हमें यदि प्रॉफिट पाना है, अपनी लाइफ में हमें यदि सफलता पानी है, तो हमें दूसरों से हटकर काम करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पर सतत नजर रखते हुए एक सटीक प्रयास करना होगा, तो हम अपने लाइफ में जरूर सक्सेस हो सकते हैं। साथियों, आज ये बात कहने के लिए इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हतोत्साहित हुए पड़े हैं। हतोत्साहित ना होकर के हम आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। हमारे पास समस्याएं बहुत हैं तो संभावनाएं भी बहुत है। एज वी नो दैट कि जितनी बड़ी समस्या है, जितना ज्यादा प्रॉब्लम है, जितना ज्यादा समस्या होगा, जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही ज्यादा है। अगर हम समस्याओं को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटियों का अंबार खड़ा होगा और अपने लाइफ में सक्सेस जरूर होंगे। तो साथियों, हम और आप मिलकर के एक इतिहास रचेंगे और मिलकर के काम करेंगे तो अच्छे मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। अपनी राइज ऑफ न्यू लाइफ भी इसी मुकाम पे काम कर रही है और नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही है, नए प्रोडक्ट भी लेकर आ रही है और जो बिजनेस प्लान है उसमें भी परिवर्तन कर रही है, जिससे कि हर व्यक्ति को एक सटीक और सुरक्षित और एक बहुत बड़ा इनकम दे सके और उनके लाइफ में करियर एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर पाए। थैंक यू वेरी मच। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।